ए आकाशवाणी जम्मू है उन्तुस श्रुति खजूरिया को खबर सुनो। आज सेना दिवस है। इस मौके पर सेना ने 220 बरे बख बख कारवाइए पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी च शहीद हुए सैनिकों की श्रद्धांजलि भेंट की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद होरें भारतीय सेना की सेना दिवस के मौके पर मुबारकबाद दी। अपने ट्वीट स्नेह च राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद होरें आख्या जे राष्ट्र की सेवा लई अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले बहादुर जवानों की राष्ट्र चेता करा करता है। उन्हें आख्या जे मुल्क बहादुर दलेर सैनिकों के शौर्य ते वचनबद्धता लई उन्दा ते उन्दे परिवार वालों का हमेशा गै आभारी रहोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरें सेना दिवस के मौके पर सबने देशवासियों की भेठा का भारतीय सेना की नमन करते हुए आख्या जे साड़ी सेना मजबूत दलेर ते दृढ़ संकल्प रखने वाली है ते सेना ने हमेशा गै मुल्खे का मान बधाया है। प्रधानमंत्री होरें इस मौके पर सैनिकों ते उन्दे परिवार वालों की शुभकामना दित्तियां। भारत च ब्रिटिश सरकार के खीरी कमांडर इन चीफ जनरल फ्रांसिस बूचर थमा 1949 च उसले दे लेफ्टिनेंट जनरल के एम किरप्पा हुंदे आसेया भारतीय सेना दे कमांडर इन चीफ दे तौर पर कामकाज संभालने दे चेते च हर बरे 15 जनवरी गी सेना दिवस मनाया जांदा है। सेना दिवस दे मौके पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत, सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे, वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदूरिया ते नौ सेना प्रमुख एडमिरल करमवीर सिंह होरें राष्ट्रीय युद्ध स्मारक जाइए शहीदें गी श्रद्धांजलि भेंट कीती। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा होरें भी सेना दिवस के मौके पर सेना के कर्मियों ते उन्दे परिवार वालों की मुबारकबाद दी है। सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे होरें आख्या जे करीबन 300 थमां 400 आतंकवादी भारतीय बन्ने कन्ने लगदे उत्पिठा बनाए गए सिखलाई शिविरें च घुसपैठ करने लिए बैठे दे। उन्हें आख्या जे पिछले बरे संघर्ष विराम दी घटनाएं च 43% का वाधा हुआ जिहड़ा पाकिस्तान के भैड़े मनसूबे की दर्शांदा है। उन्हें आख्या जे भारत ते चीन दे बने पर बनी दी तनोतनी आली स्थिति बारे सबने की पता है, यथा स्थिति की बदलने आली इक तरफा कोशिश दा बनकदा परता दिता गया। उन्हें गलाया जे गलवान घाटी च साढ़े बहादुर सैनिकों आसिया दिता गया बलिदान जाया नहीं जाग। सेना प्रमुख होरें आख्या जे पिछले बरे कब्जा रेखा कन्ने लगदे इलाके थमां आतंकवादी रोधी अभियान दौरान करीबन 200 आतंकवादियों का सफाया किया गया। रामबन के जिला विकास आयुक्त नाजम जई खान होरें रामबन की केला मोड़ थाट बनाए गए पुले के निर्माण कमे का जायजा लिता। उन्हें की जानकारी दी गई जो राष्ट्रीय जरनैली सड़क पर किश दिन गड्डियों की आवाजाई बहाल हुई जा सड़क के हिस्से की ठीक करने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। केला मोड़ का क्षतिग्रस्त हुए दे पुले करी राष्ट्रीय जरनैली सड़क पर गड्डियों की आवाजाई बंद है। इतने दसना लाजमी है जसीना सीमा सड़क संगठन आसिया पुले का निर्माण किया जा करता है। डिप्टी कमिश्नर होरें लोगों की सलाह दी जो यात्रा पर नहीं निकलन यात्रा की शुरू करने थमां पहले ट्रैफिक पुलिस से कंट्रोल रूम थमां ताजा स्थिति बारे जानकारी हासिल करन। संसद का बजट सत्र इस महीने की 29 तरीक की शुरुआत करता है। इस सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हुंदे आसिया दौने सदनें की संयुक्त बैठक की संबोधित करने कन्ने होग। केंद्रीय बजट 1 फरवरी की पेश किया जाग। मंत्रालय ते महकमे की अनुदान मंगे पर विचार करने संबंधी स्थायी समितियों आसिया उनकी रिपोर्ट की तैयारी के मद्देनजर संसद की कार्रवाई 15 फरवरी की स्थगित कर दी जाग। बजट सत्र का दूआ गेड़ 8 मार्च की लगोग। सरकारी प्रायोजन की जरूरत मुताबक सत्र के 8 अप्रैल की मुकने दी संभावना है। घरें कोठे ते शहरी विकास सरबंधी महकमे के प्रधान सचिव धीरज गुप्ता होरें कल जम्मू च सरबंधित अफसरें की बैठक सदी है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना सरबंधी प्रगति ते उपलब्धियों का जायजा लिता। बैठक दौरान उन्हें सख्त निर्देश दिते जे स्कीम तहत लाभार्थियों के पंजीकरण का काम तौले शा तौले मुकम्मल किया जा ते कन्ने जिहड़ियां दरखास्तां दस्ती या ऑफलाइन मोड़ राहें हासिल होई दियां उन्हेंगी ऑनलाइन अपलोड करने के कम्मे च भी तेजी आंदी जा। उन्हें आखिया जे व्यवहारिक आंकड़े लई छड़ा ऑनलाइन दरखास्तें गी गै शामिल किया जा इस करी दस्ती दरखास्तें गी जिन्ना तौले होई सके ऑनलाइन मोड च तब्दील किया जा। ध्यानजोग है ते प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना गी रेहड़ी फड़ी आले जिंदा कम रोजगार कोरोना महामारी दे चलदे लॉकडाउन ते होरने पाबंदियों करी बंद पेदा है उन्हेंगी माली इमदाद देइए परतियै कम शुरू करने ते उन्दे सशक्तिकरण लई शुरू कीती गेदी है। एदे तहत उन्हेंगी सखले द्वार उपलब्ध करवाया जाता है ताजो अपना कामकाज परतियै शुरू करी सकन ते उन्दी आर्थिक तंगी दूर हो सके। धीरज गुप्ता होरें पंजीकरण ते मजदूरी लई चिट्ठी भेजने के कम्मे च भी तेजी आने लई आख्या। उन्हें सरबंधित अफसरें गी आख्या जे मजदूरी ते पंजीकरण के बकाया मामले आंदे हफ्ते तोड़ी पक गए नबेड़ी लैते जान। जनजातीय मामले दे महकमे आसिया कल जम्मू च जनजातीय समुदाय की जंगलात सरबंधी हक्के आले कानून की अमलावरी दसने लई जागरूकता शिविर ते सैमीनार दा सरिस्ता कीता गया। इस मौके पर जनजातीय मामले दे महकमे दियां सचिव रेहाना बाथुल होर मुख परौणियां हियां। इस कार्यक्रम च जिला विकास काउंसल दे मिंबरे, ब्लाक विकास काउंसल दे अध्यक्ष, सरपंच ते पंच दे अलावा समुदाय दे मन्ने परमन्ने दे नुमाइंदे हिस्सा लिया। जम्मू कश्मीर च नोवेल कोरोना वायरस दे कल 89 मामले सामने आए जिंदे च 30 जम्मू खिते थमां हे ते 49 कश्मीर घाटी थमां। इनें मामले दे सामने आने मगरा जम्मू कश्मीर च कोविड-19 दे कुल मामले की गिनतरी 1,22,964 होई गई है। इंदे चा 1,468 सक्रिय मामले, 1,19,852 नरोए होई गए। कोविड-19 करी 3 लोगों की कश्मीर खेत्र च कल मौत भी हुई। अजे तक जम्मू कश्मीर च कोविड-19 करी 1,915 लोगों की मौत हो चुकी दी है।
कोविड 19 दे 237 और मरीजें की ठीक होने परैंत बक बक अस्पतालें थमां छुट्टी दे दी गई। इंदे चा 105 जम्मू खित्ते थमां ते 112 कश्मीर खित्ते थमां हे। तोआई मुल्ख भरे थमां पिछले 24 घंटे दौरान नोवेल कोरोना वायरस दे 16,390 मामले सामने आए। इनें मामले दे सामने आने मगरा मुल्ख भरै च कोविड 19 दे कुल मामले दी गिनतरी 1,05,27,684 होई गई ऐ। इंदे चा 2,10,806 सक्रिय मामले न। अजे तक 1,01,62,739 मरीज नरोए होई गेदे न ते पिछले 24 घंटे दौरान 227 लोकें दी मुल्ख भरै च इस लागे करी मौत होई ऐ। अजे तक इस महामारी करी 1,59,754 लोक अपनी जान मोई चुके दे न। सेहत मंत्रालय दा आखना ऐ जे कोविड 19 थमां ग्रस्त मरीजें दे ठीक होने दी दर होर बेहतर होई ऐ, 96.52% होई गई ऐ। एह्दे कन्नै गै खबरें दा बुलेटिन समाप्त होआ।